अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। I shouldn't feel good myself. मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। चलो बिल्कुल नहीं भैया जी, आप कुछ मत करें। दरअसल ये बता दें कि हमें जीने का अधिकार हुआ है या नहीं। बिल्कुल 100% है। अरे तुम जानते नहीं हो, ये यूपी पुलिस है, खोड़ा साहब का, और उनका वर्जन बता रहे हो विनोद जी का। कह रहे थे आपको उन धाराओं में बंद करूंगा ना, आप दिल्ली के वहाँ पे कोई रिश्ते नहीं खोड़ा है। वो क्या कह रहे थे आपको पता नहीं, ऐसी धाराओं में बंद करूंगा ना आपको, होंगी आप दिल्ली के एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या आप हैग इंटरनेशनल में भी चले जाए, आपकी जमानत नहीं होगी। आप मुझे तो बताइएगा मेरे को कौन सा ऐसा सेक्शन लगाने वाले आप, ऐसा कौन सा सेक्शन को बताओ आप, बताइए तो कौन सी इलीगल टी करी थी हम लोगों ने, अगर क्वेरी करने के लिए हम पुलिस स्टेशन गए थे तो। मेरे 10 साल का बेटा है जिन्होंने मेरे से कर, मेरे सारे जितने एड्रेस थे सारे एड्रेस लिखवाए, मेरे फोन नंबर उनके ऊपर है। अगर कल वो मेरे बेटे को उठा लेते या मेरे हस्बैंड को उठा लेते तो मैं कहाँ जाऊँगी बताइएगा, अगर कल पुलिस प्रशासन मेरे साथ नहीं था, अगर आज भी नहीं है सर, वो अगर ये कर सकते हैं वो मुझे डिटेन कर सकते हैं। सर अगर विदाउट एनी कॉज एंड रीजन वो मुझे डिटेन कर सकते हैं 11 बजे तक, तो इसका मतलब ये तो गलत है ना। अगर उसने बिना रीजन के मुझे डिटेन करके रखा, इन वकील साहब को मारा, आप बताइए जरा, सारे पुलिस के जितने भी लोग थे सबने मारा इन्हें, जितने सारे लिखने में से अगर उन्होंने इलीगल डिटेंशन करा, मैं हमारे मोबाइल, हम क्रिमिनल हैं, हम हार्डेड क्रिमिनल हैं, आप बताइएगा हमारे मोबाइल उन्होंने स्नैच कर लिए कि पकड़ो इनके मोबाइल, और मतलब मैं आपको बोल नहीं सकती कि वो सारे कितनी गंदी गालियां दे रहे थे। आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन दैट ऑल, मैं हार्डेड इसलिए नहीं हूँ कि वो मुझे, मैं कह रही आप FIR करो, मुझे सिर्फ परमिशन दे दो, मैं अपने घर इन्फॉर्म कर दूँ। आई डू नॉट हैव द राइट, यू आर डिटेनिंग माई सेल्फ एंड आई हैव नो राइट टू इन्फॉर्म माई फैमिली, देन व्हाट इज द मीन ऑफ दिस लॉ एंड ऑर्डर, देन व्हाट इज द मीन ऑफ दैट ऑफिस, देन व्हाट इज द मीन ऑफ आवर दैट डेमोक्रेसी वेयर वी आर लिविंग। आई शुड बी नहीं नहीं आप आई शुड बी फील गुड माई सेल्फ।